हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर इसको और अच्छे से समझना है तो ये इमेज से हम समझ लेंगे। सपोज करते हैं कि ये बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है MOP। तो जब बॉडी ये एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी MOP, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IO। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं और ये सेंटर ऑफ मास C पॉइंट पे है। यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है जो ये MOP के पैरेलल है और इसको हम बोलते हैं ACB। तो जब बॉडी ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे IC। अब सपोज करते हैं बॉडी पे एक मास है पॉइंट D पे और ये पॉइंट मास DM है। अब ये D का सेंटर ऑफ मास से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज CD। तो हम बोलेंगे ये जो C से D तक है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पॉइंट मास DM का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक लाइन ड्रॉ किए हम CD, और ये CD लाइन ये एक्सिस ACB के परपेंडिकुलर है। तो हम CD को बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास DM फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ACD। और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है कंटिन्यूस बॉडी के लिए, I = इंटीग्रेशन R² dm। R यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और DM पॉइंट मास है। तो यहाँ पे अगर हमको IC का फॉर्मूला लिखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर मतलब CD² × DM, और इंटीग्रेशन लगाना नहीं बोलेंगे तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ACB इज IC = इंटीग्रेशन CD² dm। CD क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास DM फ्रॉम द एक्सिस ACB। ऐसे ही हम एक और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं O से D तक। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OD है ये कौन से एक्सिस के अबाउट है, MOP। तो MOP के अबाउट ये जो एक्सिस है इससे पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OD। तो हम IO का फॉर्मूला भी कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस MOP दैट इज IO = इंटीग्रेशन OD² मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर × DM। तो IC का फॉर्मूला आ गया, IO का फॉर्मूला आ गया, हम इक्वेशन 1 और 2 दे देते हैं। अब उसके बाद O से C तक ये जो दो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं OC, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दीज टू एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OC, और इसको हम H बोलते हैं। फिर OC वाली जो लाइन है हम उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लिए, C के आगे बढ़ा लिए, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर OC के एक्सटेंडेड पार्ट पे जो पॉइंट पे टच हो रहा है उसको हम बोलते हैं N। तो ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ किए हैं तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है DNO। ये जो ट्रायंगल है DNO ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बट अब हम टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम देख लेते हैं।
तो ये जो डायग्राम दिया है और ये जो डायग्राम है दोनों ही सेम है। अब आगे का पार्ट हम ये डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। हम ट्रायंगल DNO ले रहे हैं, DNO राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं और जब पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर दैट इज DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब ON को हम कैसे लिख सकते हैं? ON कैन बी रिटन एज OC प्लस CN। तो ON को हम OC प्लस CN होल स्क्वायर लिख लिए। अब ये होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ओपन करते हैं तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर वैसे ही रहेगा। OC प्लस CN होल स्क्वायर मींस OC स्क्वायर प्लस 2OC इनटू CN और 2CN इनटू OC प्लस CN होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमारे पास DN स्क्वायर है तो ये ट्रायंगल में DN का साइड हमको दिख रहा है DN, और उसके बाद हमारे पास CN स्क्वायर भी है, ये सी एन स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? डी एन सी। तो डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म की जगह अब हम क्या लिखने वाले हैं? सी डी स्क्वायर। तो OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 2CN into OC और OC स्क्वायर ऐसे ही लिखे हैं। तो ये टर्म एज इट इज लिख दिए हैं और DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर लिखे हैं। अब क्या करते हैं हम? इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय DM। ऊपर जो इक्वेशन दी है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और DM से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। तो मैं इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM लिख लूंगा, और ये जो राइट साइड में पूरा टर्म है इसको भी मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं इसका भी, और इसको भी DM से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये पूरा टर्म है ब्रैकेट में एज इट इज इनटू DM। DM से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, DM से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन के दोनों साइड। अब यहाँ पे OC किसके इक्वल है? तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो OC है H के इक्वल, तो मैं OC की जगह H लिखूंगा, OC स्क्वायर की जगह H स्क्वायर लिखूंगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट CD स्क्वायर प्लस 2CN। OC था हमारे पास, उसकी जगह हम H लिख लिए और OC स्क्वायर की जगह H स्क्वायर लिख लिए और DM से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करते हैं? ये टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन और DM जाएगा, ये बीच वाले टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन और DM, और ये वाले टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन और DM। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो अब जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CD स्क्वायर DM। DM और इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म के साथ भी जाएगा, सेकंड टर्म ये जो बीच वाला टर्म दिख रहा है 2CNH उसके साथ भी इंटीग्रेशन और DM, H स्क्वायर के साथ भी इंटीग्रेशन और DM जाएगा। अब यहाँ पे ये जो H है, एक एक्सेस है MOP और एक एक्सेस है ACB, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये H की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं होने वाला, मीन्स ये एक्सिस वही रहेगा, और इसके अबाउट अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो ये एक्सिस भी नहीं चेंज करना, मीन्स ये दोनों एक्सिस फिक्स है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो मैं कांस्टेंट जो है यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और H कांस्टेंट है, मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा, यहाँ पर भी H स्क्वायर कांस्टेंट मिलेगा, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CD स्क्वायर DM प्लस 2H बाहर आ गया है इंटीग्रेशन के, क्या बचा? इंटीग्रेशन CN इंटू DM प्लस H स्क्वायर बाहर आ गया है, तो H स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर लिखे, इंटीग्रेशन करना है हमको DM का। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM है ये है IO के इक्वल,
और इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डीएम ये है आईएससी के इक्वल, तो मैं इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर डीएम को आईएससी लिख सक आईओ लिख सकता हूँ और इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डीएम को आईएससी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करने वाले हैं, क्या है आईएससी लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डीएम की जगह आईएससी लिखेंगे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर डीएम की जगह मैं आई ओ लिखूंगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट एमओपी एक्सिस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मास था वो था डी एम के इक्वल, तो डी एम डी एम ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, सबको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है मतलब एड करना है, तो सब पॉइंट मासेस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल मास ऑफ द बॉडी मिलने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीएम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम को मैं एम लिखूंगा, कैपिटल एम, दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन सी एन डी एम इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कैसे आता है तो उसको समझ लेते हैं पहले, कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एन डी एम इज इक्वल टू जीरो कैसे आया। तो वाई इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम इज इक्वल टू जीरो, इसका आंसर हम देख रहे हैं। तो इसका आंसर समझने के लिए हमको पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ मासेस है, एम वन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर वन है, एम टू है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर टू है, एम थ्री है, ऐसे ही इसका डिस्टेंस आर थ्री होगा, एम फोर है, इसका डिस्टेंस आर फोर होगा, ऐसे ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एंथ पार्टिकल का मास है एम एन और इसका डिस्टेंस है आर एन। और ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी हमको पता है कि दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है वो है आर सी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आर सी मिल रहा है। तो अब हम ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर सी इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस अप टू एम एन आर एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस अप टू एम एन। तो ये जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो इसको क्या करते हैं, इक्वल साइन के दूसरी साइड लेके जाते हैं, और जब मैं इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आरसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आरसी क्या है ये समझना है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है वो है आरसी। अब मैं ये ओरिजिन को अगर उठा के सेंटर ऑफ मास पे रख देता हूं, मेरे को क्या करना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मेजर करना है ओरिजिन से। एक ओरिजिन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो ओरिजिन से मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मेजर किया, आरसी आया। बट अगर कंसीडर कर लो ये ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास पे आ गया, तो अब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है मतलब इसकी पोजीशन हो गई जीरो, है ना, ओरिजिन पे जो भी पॉइंट रहता है वो जीरो रहता है। तो मतलब अगर ओरिजिन हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर रहे हैं तो हम आरसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं था तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस आरसी की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब ओरिजिन को ही अगर हम सेंटर ऑफ मास पे रख दिए है तो आरसी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाला पूरा टर्म क्या होने वाला है, जीरो होने वाला, और राइट साइड में एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अप टू एम एन आर एन मिलेगा। और ये जो टर्म है इसको हम समेशन साइन के साथ लिख सकते हैं, इक्वेशन जो दिख रही है आपको रेड ब्रैकेट में, रेड बॉक्स में मैं एक टर्म बना दिया, उसको हम सिग्मा साइन के साथ या समेशन साइन के साथ कैसे लिखते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो आने वाला है, कब, जब आप ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे रख देते हो। तो अब ये समेशन को मैं सिग्मा साइन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देता हूं, मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो, समेशन साइन को हम इंटीग्रेशन से क्या किया, रिप्लेस कर दिए। अब ये मास इनटू इट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो होता है, कब मिलेगा ये,
जब आपका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम इज इक्वल टू जीरो। अब वॉट इज सी एन, तो सी एन मीन्स यहां से हम मेजर कर रहे हैं सी से एन तक का डिस्टेंस, बट सी क्या है, सी इज योर सेंटर ऑफ मास। तो अब हम डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही अगर मेजर कर रहे हैं, तो मतलब हम ओरिजिन को कहाँ पे रख दिए है, सेंटर ऑफ मास पे रख दिए। मेरा ओरिजिन कहाँ पे आ गया है, सेंटर ऑफ मास पे आ गया है। और अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे, तो आरसी की वैल्यू जीरो, और हमको इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस इनटू डीएम मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो मिलता है। तो ये जीरो कब मिलेगा, जब आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा या आपका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो यही से हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी एम इंटू सी एन इंटू डी एम इज इक्वल टू जीरो। वाई, द रीजन इज सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन। तो जब भी सेंटर ऑफ मास आप ओरिजिन लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मास हमेशा जीरो आएगा। इसको हम मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम जीरो आ गया। अब हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई थी, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट कर रहे थे। क्या पुट कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम को मैं आई सी लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वायर डी एम को मैं आई ओ लिखूंगा, इसको मैं आई ओ लिखने वाला हूँ। ये जो बीच का टर्म है ये जीरो हो गया है, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल मासेस ये कैपिटल एम हो गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वायर डी एम क्या है आपका, आई ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो ये आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस जीरो रहेगा एच स्क्वायर एम। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये एम को मैं पहले लिख लिया एच स्क्वायर। तो दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ, ये जो आई ओ दिख रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ, सम मतलब प्लस साइन लगाना है, ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या हो रहा है, ये आई सी सेंटर ऑफ मास से पास होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, और द प्रोडक्ट ऑफ द मास, ये मास का प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस दैट इज एम एच। तो आई ओ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो हम क्या बोलेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो पहले जल्दी से, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, अलोंग द बॉडी ये मूव हो रहे हैं, अलोंग द बॉडी है। और ये जो जेड एक्सिस है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये आप डिस्क का केस देख रहे हो, डिस्क के साथ साथ आगे बढ़ रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी डिस्क के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और जेड एक्सिस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये डिस्क को आर पार जा रहा है। और ये एक्स एक्सिस डिस्क के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस डिस्क के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और एक्स और वाई भी क्या है, परपेंडिकुलर है। जेड और एक्स भी परपेंडिकुलर है, और जेड और वाई भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड
परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन के ऑब्जेक्ट के प्लेन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे तीन एक्सेस है, एक जेड एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। यहाँ पे हम बॉडी पे एक पॉइंट पी ले लिए है। पॉइंट पी पे जो मास रहेगा वो रहेगा डी एम। डी एम को हम क्या किए है, पॉइंट पी को जेड एक्सेस से ज्वाइन कर दिया। जेड एक्सेस बॉडी को क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट ओ पे और वो आर पार जा रहा है। तो ओ पी ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डी एम हो गया मास। कहां से, जेड एक्सिस के। और जब बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड। जब बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स। और जब बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वाई। तो हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे ओ पी क्या है, पॉइंट पी पे जो मास है डी एम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम जेड एक्सिस। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। तो एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से पॉइंट मास पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है वाई, और वाई मतलब एम पी। एम पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी, that is point mass dm from the axis x, x से परपेंडिकुलर। तो x के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आई एक्स इंटीग्रेशन एम पी स्क्वायर डीएम। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस का जो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एन पी। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एन पी स्क्वायर डीएम। ऐसे ही जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ओपी। तो मैं लिखूंगा आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ पी स्क्वायर डीएम। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है ओ एन पी, तो ओ एन पी इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल एन 90 डिग्री है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं। मैं लिखूंगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइंग बाय डीएम, क्या कर रहे हैं, ऊपर की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं डीएम से। तो इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एनपी प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम। अब इंटीग्रेशन और डीएम दोनों टर्म के साथ जाएगा तो फ्रॉम द फिगर, बट फिगर से हमको क्या पता चलता है कि ये जो ओ एन साइड है वो एमपी के इक्वल है। ये आपका ओ एन साइड किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है। तो मैं ओ एन की जगह एम पी लिख लेता हूं और इंटीग्रेशन और डीएम लिख लेता हूं। तो इंटीग्रेशन ओ पी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन एन पी स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ओ एन की जगह मैं एम पी स्क्वायर डीएम लिख लिया। अब आप ये तीनों इक्वेशन देख सकते हो, वो यहाँ पे पुट कर देते हम, तो हमको अब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम है आई जेड। तो मैं यहाँ पे आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एनपी स्क्वायर डीएम है आई वाई, मैं आई वाई लिख लूंगा, प्लस इंटीग्रेशन एमपी स्क्वायर डीएम है आई एक्स। तो हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ये जेड एक्सिस जो था बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, अ लेमिनार ऑब्जेक्ट। लेमिनार ऑब्जेक्ट मतलब फ्लैट बॉडी। आपकी बुक का पेज जो है ना उसको हम बोल सकते हैं लेमिनार बॉडी है। अबाउट एन एक्सिस जेड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, that is x and y in its plane। तो दो एक्सेस है, x और y, वो बॉडी के प्लेन में है। y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, और z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। तो ये जो z एक्सेस है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट ये x और y बॉडी के प्लेन के साथ साथ है,
एंड ऑल द थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर. तो ये जो परपेंडिकुलर है बॉडी के प्लेन के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल रहेगा. थैंक यू स्टूडेंट. अब आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही है, आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो.